इब्राहिम के वंशज इज़राइली लोग अकाल के कारण मिस्र भाग गए और निर्वासित जीवन जीने लगे। मिस्रवासी इज़राइलियों की बढ़ती संख्या से डर गए, इसलिए इज़राइलियों को गुलाम बनाकर वे उनके साथ बुरा बर्ताव करने लगे। इज़राइली इस यातना को सहन नहीं कर पाए और उन्होंने सच्चे मन से परमेश्वर से प्रार्थना की। परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना सुन ली और इज़राइलियों को मिस्र से बाहर ले जाने का फैसला किया। उन्होंने मूसा को बुलाया। मूसा, इसलिए अब सुन, इज़राइलियों की चिल्लाहट मुझे सुनाई पड़ी है और मिस्रियों का उन पर अंधेर करना भी मुझे दिखाई पड़ा है। इसलिए आ, मैं तुझे फिरौन के पास भेजता हूं कि तू मेरी इज़राइली प्रजा को मिस्र से निकाल ले आए। मूसा परमेश्वर के आदेश से मिस्र के फिरौन से मिलने गया, लेकिन फिरौन इज़राइलियों को छोड़ने के लिए बिल्कुल सहमत नहीं हुआ। जिद्दी फिरौन तब तक झुकने को तैयार नहीं हुआ जब तक परमेश्वर ने मिस्र पर 10 महामारियां नहीं छोड़ दी। आखिरकार इज़राइली परमेश्वर के मार्गदर्शन में मिस्र से निकल गए। काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा। और तू अपनी लाठी उठाकर अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ा और वो दो भाग हो जाएगा।